नमस्कार जी, मेरा नाम तरुण है। मूवी का नाम है कनाडा दी फ्लाइट। जी हाँ, पंजाबी मूवी है और मेरा डेब्यू है और बहुत ही फन लविंग मूवी है। इट्स अ कॉमिक और एक मैसेज के साथ है, जो बहुत ज़रूरी है, जो एक सिनेमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके साथ। हाँ बिल्कुल, सीधी सी बात है। आप खुद ही देख लीजिए, हमारे जो कनाडा के लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उनके कैबिनेट में तीन बड़े हट्टे कट्टे और डैशिंग से सरदार, इनफैक्ट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कनाडा के, ही इज अ सरदार राइट नाउ। किरदार का नाम है फट्टू, नाम ही काफ़ी होगा, है ना। तीन लॉन्डो की कहानी है जी, तीन दोस्तों की कहानी है, और नवराज, युवराज और मेरी। और जिस तरह की होता है कि तीनों किरदार अलग अलग हैं और सबका अपना एक फ्लेवर होता है, तो ये बड़ा प्यारा सा, भोला सा और थोड़ा सा एक छोटे परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का है, जिसका वो दोनों ख्याल रखते हैं बहुत कि मतलब कॉलेज में अगर लड़ाई हो गई और बच्चे ने अगर मार खा ली तो फिर वो आते हैं और वो डिशन डिशन करते हैं। बट आई वुड से ही इज़ क्यूट, स्वीट सा रोल है इसका, माचो या डैशिंग वाला रोल नहीं है और अपना फ्लेवर है इस कैरेक्टर का। हाँ बहुत फनी वर्ड है जी। एक्चुअली कैरेक्टर का नाम था लाडी। लाडी एक्चुअली नाम, मतलब माँ का दिया हुआ नाम तो लाडी ही था, लेकिन जिस तरह फिल्म बनती गई, क्योंकि जब तीनों के सीन्स आते थे, कॉम्बिनेशन सीन्स आते थे, तो वहाँ पे तीनों में कैरेक्टर ज़्यादा निकलना बाहर ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे को नाम से तो कम बुलाते थे। तो नवराज युवराज ने मुझे ओ फट्टू इधर आ कहना शुरू कर दिया। और मैं आज भी जब कभी टेलीविज़न करता हूँ या कर रहा हूँ या मूवी कर रही है पहली, मेरी सबसे रिक्वेस्ट होती है कि सेट पर जब तक हम इस किरदार को निभा रहा हूँ मैं, जब तक ये फिल्म या इस शो की शूटिंग चल रही है, मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से ही बुलाया जाए। ये मेरी इनफैक्ट रुपेश जी को रिक्वेस्ट थी, डोंट कॉल मी तरुण, मुझे तरुण मत बुलाइए। वो जैसे ही तरुण बोलते हैं ना, मैं एक सेकंड के लिए कैरेक्टर से बाहर आ जाता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं फट्टू ही रहा और मैंने बड़ा इन्जॉय किया उसको। सर देखिए, मेरा कोई बहुत बड़ा सरनेम नहीं है, आई एम अ मेहता, और कह सकते हैं शायद ये फर्स्ट जनरेशन है, बिकॉज मेरे खानदान में, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता। मुझे छोटे मोटे रोल बहुत आ रहे थे एंड हिंदी के आ रहे थे, एंड फ्रॉम द बिगेस्ट बैनर्स, फ्रॉम नंबर वन, नंबर टू, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट वो यहाँ पर वो नाम लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई लड़का या लड़की दिल्ली से या पंजाब से या कश्मीर से या गुजरात से जब इस माया नगरी में आता है ना, तो सब अपने आप को 70 mm पर देखने ही आते हैं। मतलब अमूमन सब लोग 70 mm पर ही देखने आते हैं, हीरो बनने आते हैं, हीरोइन बनने आते हैं। मुझे भी कुछ 8-10 साल हो गए हैं, और ये फिल्म की मुझे ऑडिशन आई, मैं ऑडिशन देने गया, मुझे पूरा सेटअप अच्छा लगा, एंड आई एक्चुअली वर्क ऑन वाइब्स। मुझे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे लगे, द प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे लगे, एक ऑफिस का सेटअप था, एक बड़ा तमीज़ वाला, एक कायदे वाला सेटअप था, एंड आई गेव 7 rounds of auditions, मेरी 7 auditions हुई, और उसके बाद 3 दिन के बाद मैं फाइनल हुआ था इसके लिए।